मुख्यमंत्री शिवराज लगातार कमलनाथ से सवाल कर रहे हैं और अब शिवराज ने कमलनाथ से एक और सवाल पूछा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना शुरू करने और साथ ही 5 वर्षों तक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया था, उसे क्यों नहीं पूरा किया। शिवराज और कमलनाथ की जुबानी जंग अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिवराज लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, कमलनाथ भी जवाब दे रहे हैं। शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मैं रोज सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कमलनाथ खुद इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। एक टीम उन्होंने बैठा दी है जो कुछ भी बोल रही है। आगे शिवराज ने कहा कि मेरा सवाल है, कांग्रेस और कमलनाथ ने वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना शुरू करेंगे और इस योजना में कहा था कि कृषक परिवार में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको जोड़ेंगे, लेकिन ये वादा भी कमलनाथ भूल गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि रियायती ब्याज पर 5 वर्ष के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे, बिजली में कृषि परियोजना के लिए 25% की छूट देंगे, सिंचाई कर छूट देंगे, उपज के विक्रय की स्वतंत्रता और मंडी कर में भी छूट देंगे, लेकिन इन सभी वादों में से कमलनाथ ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सीएम चौहान ने कहा, ये सवाल उनसे मैं नहीं प्रदेश की जनता पूछ रही है। आज हमारा सवाल है, कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने ये वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वो शुरू करेंगे और उस योजना में उन्होंने ये कहा था कि कृषक परिवार के शिक्षित बेरोजगार जो स्नातक हैं उनको जोड़ेंगे, कई तरह की चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन रियायती ब्याज पर 5 वर्ष के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे, बिजली में कृषि प्रयोजन के लिए 25% की छूट देंगे, सिंचाई कर में छूट देंगे, उपज के विक्रय की स्वतंत्रता और मंडी कर में छूट देंगे। क्यों उन्होंने 1.25 साल में किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वचन देके लागू नहीं की, केवल मैं नहीं किसान भी पूछ रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।